Hello everyone, welcome to CBSE Specialist. This is CA Archana Mittal. In this tutorial, we will cover the topic past adjustments. Before starting with this, let us understand the concept of past adjustments with the help of very simple example. Let us take a partnership firm in which two partners are there, partner pink and partner yellow. As per partnership deed, they were sharing profits and losses equally among them. Assume in a certain year, profit was rupees 10. तो उस केस में partner A को भी partner yellow को भी rupees 5 मिले और partner pink को भी rupees 5 मिल जाएंगे. हो गया profits and losses का distribution. Profits का distribution यहाँ पे equally हो गया 5 rupees 5 rupees. अब बाद में पता चला कि salary to working partner pink of rupees 2 was omitted to be given. Pink को salary मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं. अब हम क्या करेंगे? हम पहले तो ये चेक करेंगे कि पिंक को और येलो को कितना कितना पैसा मिलना चाहिए था. As per the deed, now salary of rupees 2 will be provided to pink. अब 8 rupees बचे. As they are equal partners, that 8 rupees will be distributed among them as 4 and rupees 4 each. तो पिंक को टोटल मिला 6 और येलो को टोटल मिला 4. तो पिंक को मिलना चाहिए था रुपीस 6 और येलो को मिलना चाहिए था रुपीस 4, बट मिला कितना है 5 and 5. बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब क्लोज हो चुकी हैं. तो अब इस करेक्शन को करने के लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से, जिससे ये इफेक्ट आ जाएगा कि पिंक को 6 मिलेगा और येलो को 4 मिलेगा. वो हम कैसे करेंगे? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पिंक्स कैपिटल अकाउंट टू येलोस कैपिटल अकाउंट ईच विथ रुपीज़ 5. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो सब मैंने अर्लियर ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ पहले वो वाले ट्यूटोरियल्स देखें. स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारे ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो सारे ही टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आएंगे. अब ये वाली एंट्री जो है ये प्रीवियस पीरियड में हो चुकी है. अब इसको हम ना डिलीट कर सकते हैं ना कोई एडिशनल एंट्री उस पीरियड में पास कर सकते हैं, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द प्रीवियस पीरियड इज क्लोज्ड. अब हम सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर सकते हैं जिसका नेट इफेक्ट शुड बी सेम. तो मुझे येलो को पिंक को रुपीज़ 6 देना था, येलो को रुपीज़ 4 देना था. पिंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया था विथ रुपीज़ 5, मुझे क्रेडिट करना है विथ रुपीज़ 6, उसको 1 रुपया ज़्यादा देना है. तो मैं क्या करूँगी, मैं पिंक अकाउंट को वापस क्रेडिट कर दूँगी विथ रुपीज़ 1. नाउ 5 + 1, 5 क्रेडिट है, 1 क्रेडिट है, 5 + 1, 6 रुपीज़ पिंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया. येलो को मुझे देना था रुपीज़ 4, येलो के अकाउंट में क्रेडिट एग्जिस्ट कर रहा था रुपीज़ 5. अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री में येलो अकाउंट को डेबिट कर दूंगी विथ रुपीज़ 1. तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, क्रेडिट 5 डेबिट 4, नेट इफेक्ट क्रेडिट 4. तो मुझे ऐसे ही करना था, पिंक को 6 देना था, येलो को 4 देना था. तो एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री से मेरा ये वाला मुझे जो पिंक को देना था वो पिंक को दे दिया और जो येलो को देना था वो येलो को दे दिया मैंने. इस चीज़ को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स. अब हम कुछ सम्स देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है. एडजस्टमेंट्स फॉर द पास्ट एरर आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ पार्टनरशिप फर्म इन विच A, B and C are equal partners. Their profits for the year ending 31st March 19 was rupees 3 lakh. After preparing financial statements, it was detected that interest on capital amounting to rupees 12,000, 9,600 and 10,500 was omitted to be given to partners A, B and C respectively. Also, interest on drawings amounting to rupees 1,200 and rupees 900 was omitted to be charged to A and B respectively. Pass single adjustment entry rectifying the above errors. तो हमने पहले वाले केस को अगर हम रिकॉल करते हैं तो हमने क्या किया था, एक
एंट्री ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थी, उसका हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया था. दैट वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इतने सिंपल फिगर्स हमारे सम्स में भी नहीं होते हैं. तो फिगर्स कुछ इस टाइप के हैं इस पर्टिकुलर सम में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट था रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ का. तो दैट प्रॉफिट वॉज फर्स्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब ये प्रॉफिट मैंने तीनों पार्टनर्स को, एज ऑल द 3 पार्टनर्स वर इक्वल पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. बट क्या ये ठीक था? नहीं. मैंने तीनों को 1 लाख रुपीज़ तो दे दिया था, बट मुझे ऐसा नहीं करना था. दिस वॉज अ रॉन्ग PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये रॉन्ग क्यों था? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड नहीं किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो मुझे करना चाहिए था. एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनना चाहिए था, जहाँ पे मैं पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आती रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ का, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती ए को 12,000, बी को 9,600 और सी को 10,500. फिर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी से चार्ज करती रुपीज़ 1,200 एंड 900, टोटल 2,100. अब मैं चेक करती कि डेबिट्स बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है. क्रेडिट बढ़ा है तो देर इज़ अ प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर डेबिट बढ़ा होता तो इसके लिए मेरा एक और ट्यूटोरियल है जो आपको चेक करना होगा. तो यहाँ पे इस केस में क्रेडिट बढ़ा है कितने से? आई एडेड 3 लाख प्लस 2,100, 3 लाख 2,100 एंड आई सब्ट्रैक्टेड 32,100 फ्रॉम इट. तो व्हाट आई गॉट वॉज 2,70,000. एज द पार्टनर्स वर इक्वल पार्टनर्स, दे विल बी गेटिंग 90,000 ईच. तो ए को मिलना कितना चाहिए था? 12,000 प्लस 90,000 माइनस 1,200. अगर आप करके देखेंगे 12,000 प्लस 90,000 माइनस 1,200 तो यू विल गेट 1,08,000. बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के क्लोज होने से पहले ए को मिला था 1 लाख रुपीज़, मिलना था 1,08,000 रुपीज़. तो इसको हम, इस पूरे जो एक्सरसाइज हमने की है, मेरी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है? ये 3 कैपिटल अकाउंट्स हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था ए को 12,000, बी को 9,600 और सी को 10,500. बी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था ए को 1,200, बी को 900. एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इन तीनों पार्टनर्स को मिला है, देखिए मिलना चाहिए था 90,000, मिला है 1 लाख. तो एक्सेस क्रेडिट मिला है 10,000 रुपीज़ का, तो वो मैं अब डेबिट कर दूंगी. तो एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट विच वॉज गिवन टू ईच पार्टनर रुपीज़ 10,000 विल नाउ बी डेबिटेड. तो जो डेबिट आइटम्स हैं उनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है और जो क्रेडिट आइटम्स हैं वो मैंने बिना ब्रैकेट के लिखा है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कौन सी आइटम्स क्रेडिट हैं और कौन सी आइटम्स डेबिट हैं. ए के केस में मैंने चेक किया तो क्रेडिट है 12,000 का, डेबिट है 11,200 का. व्हाट आई एम गेटिंग इज एक्सेस क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 800. सिमिलरली बी के केस में जब मैंने डेबिट क्रेडिट्स को चेक किया, आई एम गेटिंग 1,300 इज एक्स्ट्रा डेबिट. सी के केस में 500 का क्रेडिट. यू ऐड द डेबिट्स हियर, यू गेट 1,300. यू ऐड द क्रेडिट्स, यू गेट 1,300. जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है. दिस इज बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट चेंजिंग. प्रॉफिट उतना ही है, प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ दोनों ही केसेस में. ओनली देयर अप्रोप्रिएशन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स इज चेंजिंग. पहले हमने हर एक पार्टनर को 1 लाख रुपीज़ दिए थे, अब हमने हर एक पार्टनर को पहले उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया है और फिर जो बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो अब मैं इसकी रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास करूँगी? मैं बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगी विथ 1,300, टू एज कैपिटल अकाउंट विथ 800 रुपीज़, टू बी सीज कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज़. इस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली, जिसका इफेक्ट विल बी सेम एज दिस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो आई डू नॉट नीड टू
delete this profit and loss appropriation account. Instead, I passed one single adjustment entry which is giving the effect of this profit and loss appropriation account which was required by me. Let us take one more example. एक और सम देख लेते हैं ताकि कि और क्लैरिटी हो जाए. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019. लाइबिलिटीज कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टैंड एट 60,000 and 20,000. सन्ड्री एसेट्स 80,000. This is the balance sheet of firm A and B who are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. This is their closing balance sheet. Now, further information was given. Further information given is profit rupees 30,000 for the year ended 31st March 19. So, इससे एकदम clear हो जाता है कि ये जो balance sheet given है, ये closing balance sheet है. Which was divided among the partners without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to A of rupees 1000 per month. During the year, A withdrew rupees 10,000 and B rupees 20,000. Pass necessary adjustment journal entry. Aapko journal entry pass karni hai, rectifying entry pass karni hai, after giving into account interest on capital of rupees 12,000 and salary to A of rupees 1,000 per month. तो मुझे interest on capital देना है सबसे पहले. Interest on capital मैं हमेशा in opening capital balance पे देती हूँ in case of fluctuating capital account method. कुछ भी यहाँ पे दे नहीं रखा है partners के बारे में कि उनका capital account जो है वो fixed और fixed capital account method से मेंटेन किया गया है. यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन किया गया है क्योंकि दोनों पार्टनर्स का एक सिंगल अकाउंट ही है. इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड उन दोनों के दो कैपिटल अकाउंट्स होते, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, और उनके अलग अलग बैलेंसेज होते. यहाँ पे एक ही बैलेंस दिया हुआ है. इट इज़ वेरी क्लियर दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे देते हैं. As this is closing balance sheet, ये closing balances हैं. हम closing balances पे interest on capital नहीं दे सकते. तो with the given information, हम सबसे पहले इनका opening capital ढूंढेंगे, उसके बाद में उस पर interest on capital provide करेंगे. Now with the given information, मैं कैसे ढूंढूंगी opening capital? Firstly, जो मेरे पास में है, that is closing capital. Closing capital, मैं उसको लिख लूँगी. क्लोजिंग कैपिटल है मेरा 60,000 ए का, 20,000 बी का. अब उसके उसमें मैं जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैं डिडक्ट कर दूंगी. क्यों? मेरा एंट्री कैसे होता है? जब मुझे ओपनिंग कैपिटल मिलता है तो मैं ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस करती हूँ, प्रॉफिट्स ऐड करती हूँ, फिर मुझे क्लोजिंग मिलता है. अब अगर मैं क्लोजिंग से शुरू कर रही हूँ और ओपनिंग तक जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल अपोजिट करूँगी. मैं प्रॉफिट्स ऐड करती थी ओपनिंग में इन ऑर्डर टू गेट क्लोजिंग. तो प्रॉफिट्स जो मैंने ऐड किया था क्लोज ओपनिंग ढूंढने के लिए, मैं क्लोजिंग में से उसको माइनस कर दूंगी. तो ए का प्रॉफिट शेयर एज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 30,000, 3:2 में उसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो ए को मिलेगा 18,000, बी को मिलेगा 12,000. तो वो मैं रिवर्स कर दूंगी. पहले ऐड हुआ था, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इन ऑर्डर टू गेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जब मैंने की होंगी फॉर्म में, पार्टनर ए ने पार्टनर बी ने जब जब ड्रॉइंग्स की होंगी तो उन्होंने उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया होगा इन ऑर्डर टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल. तो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हुई थी, अब मुझे ओपनिंग चाहिए तो अपोजिट करना पड़ेगा. व्हाट आई विल डू इज ऐड द ड्रॉइंग्स. सो 60,000 माइनस 18,000 प्लस 10,000, ए का ओपनिंग कैपिटल मुझे मिल गया 52,000, बी का मुझे मिल गया 28,000. अब इस ओपनिंग कैपिटल पे मैं 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करूँगी. दिस इज़ अ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ तो ए का आता है 6,240, दैट यू कैन कैलकुलेट विद द ओपनिंग कैपिटल ऑफ 52,000 एंड 28,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आता है 6,240, दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल ऑफ ए. बी के कैपिटल में 3,360 रुपीज़ क्रेडिट करने थे. तो जो फर्म के लिए इनकम है
फर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, दैट विल बी इनकम टू द इंडिविजुअल पार्टनर्स. तो ये 6,240, 3,360 विल बी इनकम टू इंडिविजुअल पार्टनर्स, तो ये क्रेडिट हो रहे हैं. बट फर्म के केस में अगर मैं लेती हूँ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखती हूँ, तो ये 9,600 जो है ये डेबिट अमाउंट है उसके लिए, फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है. सैलरी टू ए वॉज एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ, 12,000 फॉर द ईयर. दिस इज एन इनकम टू द पार्टनर, बट जो चीज़ इनकम टू द पार्टनर है विल बी एक्सपेंस फॉर द फर्म. तो 12,000 मेरा यहाँ पे डेबिट हो रहा है फ्रॉम फर्म्स पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से 12,000 क्रेडिट हो रहा है. अब जो 30,000 मेरा प्रॉफिट था उसमें से मैंने क्या किया है, पहले तो 9,600 सब्ट्रैक्ट किया है, फिर 12,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो मेरे पास में कितना बचा, यहाँ पे मेरा सैलरी टू ए 12,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी मिला के 9,600 है, तो इन दोनों का टोटल मुझे मिलता है 21,600, जो कि मेरे फर्म के लिए एक एक्सपेंस है 21,600. ये 21,600 मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि दोनों पार्टनर्स के लिए लॉस रहा हो, फर्म के लिए लॉस रहा होगा. तो अगर ये लॉस होता तो भी ये विद इन द पार्टनर टू बोथ द पार्टनर्स 3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता. तो मैं इस 21,600 जो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि फर्म के लिए लॉस है, ये उसी रेशियो में 3:2 में ही दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. तो बेसिकली ए को मिलेगा लॉस का शेयर 12,960, बी को मिलेगा लॉस का शेयर 8,640 रुपीस. तो ये दोनों लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. लॉस कितना था, 21,600. लॉस एक्चुअल नहीं था, ये वो लॉस था जो तब हो, ये वो लॉस था जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था, सैलरी टू द पार्टनर प्रोवाइड नहीं की थी. अब नेट इफेक्ट क्या आता है, आप देखेंगे क्रेडिट इस केस में ज़्यादा है, 6,240 प्लस 12,000 आपका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट जो है वो कम है. नेट इफेक्ट क्रेडिट ज़्यादा है विथ 5,280. सिमिलरली बी के केस में डेबिट ज़्यादा है विथ 5,280. आप देखेंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स वापस मैच हो गए हैं. वाई, बिकॉज प्रॉफिट्स चेंज नहीं हुए हैं, इट इज़ जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इज चेंजिंग. तो मुझे ए को 5,280 ज़्यादा देना है और बी को 5,280 कम देना है. तो बी अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी विथ 5,280, ए अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगी विथ 5,280. तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो गई. इस केस में नरेशन लिखना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, बीइंग एडजस्टेड एंट्री आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी टू ए. आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.